दोस्तों, लूडो सुप्रीम लीग गेम में आया बहुत ही बड़ा बदलाव। जैसे कि जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें अब हमको गोल्ड एंड सिल्वर कॉन मिल रहे हैं फर्स्ट सेकंड रैंक पर। जैसे कि जहाँ पर लिखा आ रहा है प्ले टू विन गोल्ड एंड सिल्वर कॉन, तो जहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि जहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी फर्स्ट रैंक पर आता है तो जहाँ पर उसको गोल्ड कॉन 10 ग्राम दिए जाएंगे, और सेकंड रैंक पर आता है तो उसको जहाँ पर सिल्वर कॉन 100 ग्राम दिए जाएंगे। तो जहाँ पर आप अपना भाग आजमा सकते हैं और इसमें आप एंट्री लगाकर इसको खेल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट सेकंड रैंक आप पा सकते हैं इसमें। तो आपको इसमें कम से कम 10 बार एंट्री लगाना चाहिए रोज़ाना, कि हो सकता है कि आपका दिन अच्छा हो। तो जहाँ पर हम लगा देते हैं, 7 रुपये की इसमें एंट्री है, आप 50 बार इसमें खेल सकते हैं। बहुत अच्छा गेम है। जहाँ पर हमने एंट्री लगा दी है 7 रुपये की, और जहाँ पर 36 चाल मिलती हैं आपको पता ही होगा। जहाँ पर आपको अपने इसको लिखना है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपका क्या बचा है। और जहाँ पर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चाल भी लिखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा चाल आप ये समझ पाएंगे एक्स्ट्रा चाल लिखेंगे तो कि हमारे जो एक्स्ट्रा चाल में कितने स्कोर बन जाते हैं। अगर 42 स्कोर आपके एक्स्ट्रा चाल के हो जाते हैं तो दोस्तों आपकी तीसरी गोटी होम हो जाएगी। अगर आपके 42 स्कोर एक्स्ट्रा चाल वाले नहीं होंगे तो आपकी तीसरी गोटी होम नहीं होगी। तो आपको एक्स्ट्रा चाल वाले स्कोर अलग से लिखना है और ये स्कोर आपको अलग से लिखना है। जहाँ पर हमारा बना है बन, मैं इसको चलूँगा। उसके बाद 4 आ चुका है, 4 में इसको चलूँगा। तो जहाँ पर बहुत अच्छा गेम है। वैसे इसमें आपको एंट्री लगाना चाहिए, हो सकता है कि आप भी फर्स्ट सेकंड रैंक पर आ सकते हैं। जहाँ पर मेरा दो बार बनाया, और बहुत ही कम संभावना है कि हमारी तीसरी गोटी होम हो जाए, क्योंकि अगर आपका 2 बार बन आ जाता है तो आप तीसरी गोटी कभी होम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा स्कोर चाहिए तीसरी गोटी होम करने के लिए। और जहाँ पर हमारा 2 बार बनाया एक्स्ट्रा चाल का, तो जहाँ पर बहुत ही कम स्कोर हमको मिला, फिर से 2 मिला एक्स्ट्रा चाल का, जहाँ पर हम तीसरी गोटी होम नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको इसमें एंट्री लगाना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर है वो अधिक स्कोर बन पाए। यहाँ पर हमारा 5 आया, तो 5 में मैं इस गोटी को काट देता हूँ। जहाँ पर 6 टोकन मिलते हैं गोटी काटने के लिए, जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा चाल में 6 मिला। और उसके बाद जहाँ पर 2 आया हमारा, 2 में इसको चल लेता हूँ। यहाँ पर 2 टोकन और बच जाते हैं गोटी काटने के। जहाँ पर 6 आया, 6 में इसको चलूँगा, और 4 में मैं इस गोटी को काट देता हूँ। जहाँ पर फिर से 4 आ चुका है मेरा। तो यहाँ पर आपको कम से कम इसमें 10 एंट्री लगाना चाहिए। जहाँ पर मैंने अभी 2 एंट्री इसमें लगाई हैं, और देखते हैं दोनों एंट्री में यहाँ पर कितने, जहाँ पर दोनों एंट्री में ऐसे हमारी रैंक एक भी अच्छी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जहाँ पर हमको बहुत ही छोटा स्कोर मिला है। यहाँ पर 6 आया, 5 आया मेरा, तो मैं इसको चलूँगा। 6 में मैं इसकी गोटी काट देता हूँ ये टोकन। और जहाँ पर मेरा 4 आया, 4 में इसको होम कर देता हूँ इस गोटी को। और उसके बाद 4 आया, जहाँ पर अब हमको स्कोरों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 5 चाल बची हैं, और 5 चालों में जहाँ पर हमारी तीसरी गोटी होम नहीं हो पाएगी। और जहाँ पर जो कोई खिलाड़ी फर्स्ट रैंक पर जहाँ पर जो चल रहा है, जैसे कि अमर कुमार के नाम से 392 स्कोर इन्होंने बना लिए हैं, बहुत अच्छे स्कोर इनका बन चुका है। और जहाँ पर हमारे जो स्कोर बने हैं 368 स्कोर बन चुके हैं, और हमारी रैंक आ गई है 10215 रैंक, तो बहुत ही कम रैंक आई है। तो जहाँ पर हमारी एंट्री वापस आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमको इसमें कम से कम 10-12 एंट्री लगाना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।